जगदीश वल्लभ भाई पटेल जब अमेरिका जाने के लिए अपने गांव से निकले थे तो उनकी आंखों में थे बेहतर जिंदगी के सपने। पत्नी बेसाली बहन, 11 साल की बेटी भेंगी और 3 साल का बेटा धार्मिक भी उनके साथ ही था। गुजरात के गांधीनगर जिले के डिंगुचा गांव का यह परिवार इसी साल 12 जनवरी को विजिटर वीजा पर कनाडा पहुंचा था। इसके 6 दिन के बाद परिवार अमेरिका कनाडा सीमा पर बसे MRSN कस्बे में था, जहाँ सर्दियों में रात का तापमान आमतौर पर -35 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन इन्हें अमेरिका जाना था तो और वहाँ का वीजा इनके पास था नहीं। दिन में पकड़े जाने का डर था, इसलिए माना जाता है कि ठंड भरी रात को यह परिवार पैदल ही अमेरिका की सीमा को पार करने निकल चुका। इन चारों के सब अगले दिन अमेरिका की सीमा से 12 मीटर पहले ही बर्फ में मिले। बाद में गुजरात पुलिस की तफ्तीश से खुलासा हुआ था, इन्होंने एजेंटों के बहकावे में आकर ये रास्ता चुना। पटेल ऐसा करने वाले अकेले नहीं थे, वे दुर्भाग्यशाली थे जो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन प्यू रिसर्च के अनुसार भारत से हर साल 7 लाख से भी अधिक लोग अवैध रास्तों से अमेरिका पहुंच जाते हैं। कई हजार लोग ब्रिटेन या कनाडा में भी जाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं रास्तों या तरीकों को डंकी रूट कहा जाता है। यह खेल तो सालों से चल रहा है। राजकुमार हिरानी द्वारा फिल्म डंकी की वजह से यह ज्यादा चर्चा में आया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे डंकी रूट के बारे में। क्या है डंकी रूट और कैसे हजारों लोग डंकी रूट जैसा खतरनाक रास्ता चुनते हैं और कैसे आते जाते लोग मारे जाते हैं। डंकी बेसिकली पंजाबी शब्द डंकी से आया। इसका अर्थ होता है रुक रुक कर एक जगह से दूसरी जगह होते हुए मूव करना। इसका अर्थ खासकर विभिन्न स्थलों के जरिए अवैध तरीके से अलग अलग देश में प्रवेश करना होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन जाने की कोशिश करने वाले यूरोपियन यूनियन का टूरिस्ट वीजा हासिल करके ऐसा करते हैं। अमेरिका जाने वाले कनाडा का वीजा हासिल कर अथवा निकारागाव या इक्वाडोरा में वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर पहले मेक्सिको और फिर वहां से अमेरिका घुसने का प्रयास करते हैं। बेसिकली इसका मतलब यह होता है कि जहां भी अगर आपको अमेरिका जाना है तो उसके आसपास की कंट्री जहां का वीजा अमेरिका से जल्दी आसानी से मिल जाता है और थोड़ी कम खर्चे में मिल जाता है तो आप उसके आसपास वाले बॉर्डर पे बसे देशों का वीजा ले लेते हैं, जिससे कि आपको अमेरिका आप इलीगल रूप से जा सकते हैं। अवैध अप्रवास कभी भी सीधे रास्ते से नहीं होता। इसके लिए एजेंट्स ऐसे दूरहे रास्ते तलाशते हैं जहां कदम कदम पर खतरे होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM का आकलन है कि साल 2014 से अब तक अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के देशों में पहुंचने के फेर में 50,000 से ज़्यादा लोग या तो मारे गए हैं या लापता हो गए हैं। बेसिकली डंकी रूट कई देशों से गुजरता है। 600 किलोमीटर लंबा है रूट। दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोरा जाया जाता है। इसके लिए फ्लाइट ली जाती है। वीजा ऑन अराइवल की वजह से वहां का वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इक्वाडोरा में उतरने के बाद सबसे पहले लक्ष्य कोलंबिया पहुंचना होता है। यह रास्ता आमतौर पर समुन्द्र से तय किया जाता है। कुछ लोग बस या टैक्सी से भी जाते हैं। कोलंबिया से अगला पड़ाव कोस्टा रिका पनामा होते हुए वहां पहुंचा जाता है। पनामा पहुंचने से पहले खतरनाक जंगल डेरियन गैप आता है जो पैदल पार किया जाता है। कोस्टा रिका से अगला पड़ाव निकारगुआ होता है। इसे या तो बस से अथवा बोट से भी तय किया जाता है। निकारगुआ से होंडुरस और फिर ग्वाटेमाला होते हुए मैक्सिको की सीमा तक पहुंचा जाता है। मैक्सिको यानी गेटवे ऑफ अमेरिका। अमेरिका पहुंचने से पहले मैक्सिको अंतिम पड़ाव होता है। अगली चुनौती मैक्सिको अमेरिका सीमा तक जाने की होती है। मैक्सिको सिक्योरिटी फोर्स से बचने के लिए आमतौर पर रेगिस्तान का रास्ता पकड़ा जाता है। मैक्सिको अमेरिका सीमा 3,140 किलोमीटर लंबी है। यहाँ के बड़े क्षेत्र में दीवार बनी हुई है, इसी को पार करके अमेरिका में प्रवेश किया जाता है। जो लोग दीवारों को पार नहीं कर पाते वे बॉर्डर के समांतर बहती रियो गार्ड नदी को पार करके करने का खतरनाक रास्ता चुनते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आंकड़ों से कि सबसे ज्यादा किस देश के अंदर अप्रवासी जाते हैं। अमेरिका के अंदर 5,20,00,000 लोग अवैध रूप से जाते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है जर्मनी, जहां पर 1,60,00,000 लोग इलीगल रूप से, और वहीं तीसरे नंबर पर सऊदी अरब 1,40,00,000 लोग। चौथे नंबर पर है रूस, जहां पर 1,10,00,000 लोग, और पांचवें नंबर पर है ब्रिटेन, जहां पर 1,00,00,000 लोग जाते हैं। सबसे ज्यादा किन देशों के लोग जाते हैं अमेरिका में? 43,00,000 मैक्सिको के लोग जाते हैं अमेरिका में, और 8,00,000 अल सलवाडोर के लोग जाते हैं अमेरिका में। 7,25,000 लोग भारत से जाते हैं अमेरिका में, और 7,00,000 लोग ग्वाटेमाला से जाते हैं अमेरिका में, और वहीं होंडुरस से 5,25,000 लोग होंडुरस से जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका में पकड़े गए अवैध प्रवासियों की लिस्ट बताएं तो आपको 2018 में 8,029 लोग पकड़े गए थे,
2019 में 19,883 लोग, वहीं 2020 के अंदर 30,662 और 2021 के अंदर 63,927 लोग, वहीं 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा 96,917 लोग भारतीय अमेरिका में पकड़े गए थे। 2023 की अभी सूची जारी नहीं हुई है। बता दें कि आपको अमेरिका में 2005 से लेकर 2022 तक के आंकड़ों पर नज़र डाले तो 1,14,00,000 लोग 2005 में गए, 1,10,00,000 लोग 2010 में गए, 1,05,00,000 लोग 2015 में गए और 1,02,00,000 लोग 2019 में गए और 1,05,00,000 लोग 2022 में गए। तो दोस्तों, राजकुमार हिरानी जी ने यह फिल्म के द्वारा, और वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर 1,01,00,000 लोग 2005 में गए और 1,02,00,000 लोग 2010 में गए थे। वहीं एकदम से गहरा उछाल 2015 में आया, जहां पर सबसे ज़्यादा 18,22,00,000 लोग यूरोप गए थे। वहीं 2019 में 1,41,00,000 और 2022 में 3,31,00,000। तो दोस्तों, राजकुमार हिरानी जी ने यह फिल्म के द्वारा ये समझाया गया है कि डंकी रूट बहुत ही खतरनाक है, प्लीज़ आप अपने जीवन को खतरे में डालकर किसी दूसरे देश में बिना वीज़ा के ना जाएं। जीवन नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे अच्छी ज़िंदगी का। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को भी पता लगे कि क्या है डंकी रोड और ये कितना खतरनाक है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।